सनातन हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों के बाद पहली बार ध्वजा का वहां पर पहराया जाना यह भारत की आस्था के प्रतीक का, भारत की आस्था के सम्मान का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसीलिए इस अवसर पर आज के इस रोड शो कार्यक्रम को आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी गोधरावासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है, देश को एक नई प्रेरणा दी है। नेतृत्व विषम परिस्थितियों में नेतृत्व देने की क्षमता अर्जित किया है और ये पहली बार हुआ है गुजरात की धरा ने देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए तो भारत की धरती के एकीकरण के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी धरा धाम के इसी माटी की देन है। भाइयों बहनों, सरदार साहब के दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने जूनागढ़ के नवाब को नाक रगड़नी पड़ी थी, हैदराबाद का निजाम जो घुड़की दे रहा था उसको भी हैदराबाद रियासत को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना पड़ा था, अन्यथा उसने पहले ऐलान कर दिया था हम भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। सरदार साहब ने कहा था कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं वहीं आके इसको शामिल करवा लेता हूं। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस की भ्रष्ट विश्वासघाती राजनीति ने देश की जनता के सामने अव्यवस्था और अविश्वास का माहौल पैदा किया, अब गुजरात ने ही आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान सौंपने की व्यवस्था दी थी। और भाइयों बहनों, आज आप सब जानते हैं, हर गुजरात का वासी और हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस विश्वास के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वह न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है बल्कि एक सुरक्षित समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर उनके द्वारा नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती कि हर भारत के घर, भारतीय के घर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को उसके घर में पहराने का काम किया और देश की आजादी के अमृत महोत्सव में प्रत्येक नागरिक को शामिल किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता का परिणाम है कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भाइयों बहनों, अगले एक वर्ष तक दुनिया के वे बड़े 20 देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नहीं तो कांग्रेस के समय में रोज एक आतंकी घटना घटित होती थी, कभी मुंबई की घटना, कभी अन्य देश के किसी न किसी कोने में घटना घटित होती थी। 20 वर्ष पहले बलिदान गोधरा में हुआ, जो बहनों
राम भक्त उसके इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में, गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है, व्यापार फरफूल रहा है, बेटी और बहनें सुरक्षित हैं। गुजरात ने विकास का और सुरक्षा का जो मॉडल दिया आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, अलगाववाद से मुक्त हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी गई है। अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं आने वाली है। भाइयों बहनों, नए भारत का शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया आज उसी का परिणाम है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं और संकट के समय अपने देश के नागरिकों के साथ कैसे खड़ा होना है यह भी हम सबके सामने है। कोरोना कालखंड उसका उदाहरण है। कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, सारे सर्वे कह रहे हैं गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। सारे सर्वे कहते हैं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का दिखाई दे। जीत सामान्य नहीं असामान्य होनी चाहिए। जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी समृद्धि के लिए बैरियर बने हुए हैं इन सबको हटाइए। आप केवल कमल ही कमल खिलना चाहिए। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कश्मीर से धारा 370 का लोग हटा पाते? भाइयों बहनों ये तो देश के विकास के बैरियर हैं, इनसे कोई उम्मीद मत करिए। और इसीलिए मैं आज विशेष रूप से गोधरा में आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। गोधरा परिवर्तनकारी धरती है और गोधरा ने जब एक बार संकल्प ले लिया तो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगले वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इतना भव्य मंदिर का निर्माण भाइयों बहनों वह भारत का राष्ट्र गौरव का प्रतीक बनेगा। और इसलिए आज मैं आप सबके पास इसी विश्वास के साथ आया हूं, हर बीमारी हर मर्च का उपचार हम लोगों के पास है। और कांग्रेस ने बीमारी जो दी उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। आतंकवाद का समाधान हो गया है,
आस्था का अपमान कांग्रेस करती थी उसका सम्मान में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और राजनीति को विश्वास का प्रतीक भी बनाया है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि गोधरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होनी चाहिए। ऐतिहासिक विजय के लिए सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आप सो हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। उधर भी छत के ऊपर भी जो खड़े हैं उनके भी सबके हाथ खड़े होने चाहिए। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।